Welcome students, in this video I am going to cover second part of the story Nelson Mandela Long Walk to Freedom। कुछ ही क्षण के बाद हम सभी ने अपनी आँखें भय के साथ उठाई क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीकी जेट हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नज़ारा था। यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था बल्कि एक फौज का प्रजातंत्र, एक नई सरकार जो ईमानदारी से और स्वतंत्रता से चुनी गई थी के प्रति वफादारी का भी प्रदर्शन था। केवल कुछ ही क्षण पहले दक्षिण अफ्रीकी रक्षा फौज और पुलिस के बड़े जनरलों, जिनकी छाती पुराने दिनों में प्राप्त रिबनों और मेडलों से सजी थी, ने मेरे सामने सैल्यूट किया और वफादारी की कसम खाई। मैं इस बात को भूला नहीं था कि कुछ ही साल पहले वे मुझे सैल्यूट नहीं करते अपितु गिरफ्तार करते। अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे को काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरा रंग वी आकार के पैटर्न को छोड़ा। हमारे दो राष्ट्रीय गानों के द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था और सफ़ेद लोगों का स्वप्न जो गा रहे थे निकोसी सिकेलल अफ्रीका और काले लोग जो स्वतंत्रता का पुराना राष्ट्रीय गान गा रहे थे झा स्टेम। यद्यपि उन दिनों दोनों में से कोई भी दल राष्ट्रीय गान का सही लय को नहीं जानता था जिसको वे दोनों नफरत करते थे, पर जल्द ही वे इसके शब्दों को दिल से याद कर लेंगे। उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास की भावना से सराबोर हो गया था। 20वीं सदी के पहले ही दशक में कड़वे एंग्लो वॉर युद्ध के कुछ ही वर्ष बाद और मेरे जन्म से पहले सफ़ेद चमड़ी वाले दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने अपने भेदभाव मिटा लिए थे और अपनी खुद की ही धरती के काले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था को खड़ा कर लिया था। उस ढांचे ने जो उन्होंने बनाया था संसार के एक सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज का आधार बनाया था। अब इसी 20वीं सदी के अंतिम दशक में और एक आदमी के रूप में 8वें दशक में वह ढांचा हमेशा के लिए बदल गया था और उसकी जगह एक ऐसे ढांचे ने ले ली थी जो सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को उनके रंग और त्वचा के बिना एक समान रूप से पहचानता था। वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के सहारे आया था, वो लोग जिनके साहस और तकलीफ़ों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता और जिनकी कीमत कतई नहीं चुकाई जा सकती। उस दिन मुझे एहसास हुआ, जैसा कि मुझे और दिनों को हुआ है, कि मैं केवल उन अफ्रीकी देशभक्तों का कुल जोड़ हूँ जो मेरे से पहले जा चुके थे। वह लंबी और भव्य पंक्ति खत्म हुई और अब दोबारा मेरे साथ शुरू हुई। मुझे पीड़ा हुई कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाया और कि वे वह नहीं देख पाए जो उनके बलिदानों द्वारा प्राप्त हुआ था। अपार्थीड की नीति ने मेरे देश और लोगों को एक गहरा और कभी खत्म न होने वाला घाव दिया था। उस गहरे घाव को भरने के लिए हम कई पीढ़ियां नहीं तो कई वर्ष अवश्य गुजारेंगे, परंतु गुलामी और पाश्विकता के दशकों का एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव भी था और वह यह था कि इसने ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथोलिस, जोसेफ हैडस, बराम फीसर, रॉबर्ट सबुक्वेस जैसे अजूब साहस, बुद्धि और भलाई से भरे लोगों को पैदा किया जो फिर से कभी पैदा नहीं हो सकते। शायद इस प्रकार के ऊंचे चरित्र पैदा करने के लिए बहुत गहराई वाली गुलामी की जरूरत पड़ती है। मेरा देश खनिजों और हीरे मोतियों से भरा हुआ है जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं, परंतु मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसकी महानतम दौलत तो इसके लोग